हाय एवरीवन, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस ट्रांसफर का एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, हम लोग मई 2019 सी इंटरमीडिएट और जून 2019 सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक फाइल मिल जाएगी, प्लीज़ उसको डाउनलोड करें और क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपके जितने भी प्रोविजन हैं बार-बार रिकॉल होंगे, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी और आपकी एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है? आपको पता है, क्लबिंग में आपने प्रोविजंस पढ़े होंगे कि कोई भी इंडिविजुअल अपने स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड को अगर असेट ट्रांसफर करता है, उसके ऊपर जो भी इनकम जनरेट होती है वो वापस क्लब हो जाती है इंडिविजुअल के हाथों में। लोगों ने इस प्रोविजन को डिफीट करने की कोशिश की, उन्होंने अपने स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर ना करके किसी और के स्पाउस या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करा, जिससे कि क्लबिंग के प्रोविजंस ना लग पाए, और सामने वाले को बोला कि आप भी ऐसा कीजिए, और इन दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सिमिलर वैल्यू के असेट आपस में ये लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए प्रोविजन है क्रॉस ट्रांसफर के, वो ये कहता है कि अगर हमें पता चलेगा कि दो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं बट एक्चुअली वो इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन्स थी, पर्पस था टैक्स इवेजन करना, तो हम वापस क्लबिंग के प्रोविजन्स लगाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, मिस्टर जतिन ने पैसे ट्रांसफर करे हैं 5 लाख रुपीज़ अपने नेफ्यू को और अपने भाई से बोला है कि तुम सिमिलर अमाउंट की वैल्यू मेरे फैमिली मेंबर को भी ट्रांसफ़र करिए, बट वहाँ से जो वैल्यू आई है वो 6 लाख रुपीज़ आई है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुई है, जतिन के यहाँ से 5 लाख रुपीज़ गए हैं और वहाँ से 6 लाख रुपीज़ आए हैं। अगर आप क्लबिंग के प्रोविजंस लगाएंगे तो आप सिमिलर वैल्यू के ऊपर ही लगा पाएंगे, यानी कि 5 लाख के ऊपर जो इनकम आती है सिर्फ वो क्लब हो पाएगी। तो जितनी भी माइनर चाइल्ड की इनकम बनेगी उनके नेफ्यू की 5 लाख के ऊपर, वो इंटरेस्ट क्लब होने वाला है जतिन के ब्रदर के हाथों में, और जो इनकम स्पाउस की हो रही है वो 6 लाख के ऊपर हो रही है। प्लीज़ उसके दो पार्ट कीजिए कि 5 लाख पर कितनी हो रही है और 1 लाख पर कितनी हो रही है। जितनी 5 लाख पर हो रही है, क्योंकि सिमिलर वैल्यू की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तो 5 लाख वाली इनकम यानी कि 45,000 यहाँ पर इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, उसका 5/6 निकालिएगा, उतनी इनकम क्लब कर दीजिएगा मिस्टर जतिन के हाथों में, और बाकी की जो 1 लाख की इनकम होगी उसकी क्लबिंग नहीं होगी। आप इसको प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, सबसे पहले आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिस्कस कीजिए कि क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी। कंप्यूटेशन के बारे में नहीं है क्वेश्चन, वो आपसे डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले आप उसको 3-4 लाइंस में क्रॉस ट्रांसफर के बारे में समझाइए, क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है, फिर इस वाले केस पे उसको रखिए और बता दीजिए कि किस तरीके से कौन सी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। आई होप ये क्वेश्चन आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।